हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। मैं अविनाश और आज हम हैं रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है। अभी हम दिन में यहाँ आए हुए हैं और कुछ ही देर में टीम इंडिया लेजेंड्स लेड बाय सचिन तेंदुलकर वो यहाँ आने वाली है और उनकी आज सेमीफाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और प्रैक्टिस सेशन के दौरान देखेंगे कि क्या क्या ड्रिल्स करते हैं इंडिया लेजेंड्स, चाहे वो सचिन हो, सहवाग हो, युवराज हो और बाकी के जो इंडियन प्लेयर्स हैं। तो अभी थोड़ी देर में भारतीय प्लेयर्स आ जाएंगे और उनके प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा और हमें पता चलेगा। अगर हालांकि ये जो बायो बबल है उसके चलते हम इंटरैक्ट तो प्लेयर से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ शॉट्स हमें विजुअल्स ज़रूर मिलेंगे किस तरीके से ये प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ऐसी सीरीज़ में और ऐसे प्लेयर्स के लिए जो एक्स क्रिकेटर हो चुके हैं। एक्स क्रिकेटर्स को काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो उस तरीके का रूटीन रेजीम डाइट रेजीम नहीं फॉलो करते हैं जैसा नॉर्मली क्रिकेटर्स या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स करते हैं। हालांकि अगर इस इंडियन टीम की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत रिसेंटली रिटायर्ड हैं, कुछ एक को छोड़ करके सचिन तेंदुलकर या फिर युवराज सिंह कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने माफ़ कीजिएगा वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने काफ़ी पहले रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन बाकी के अगर आप प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो युवराज हों, चाहे इरफान पठान हों, यूसुफ पठान हों, आर विजय कुमार हों, मनप्रीत कोहनी हों, मोहम्मद कैफ हों, तो ये सारे प्लेयर्स रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं। हाल के ही समय में तकरीबन 2 से 3 सालों में ही इन सभी ने क्रिकेट को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। हालांकि आर विनय कुमार की बात करें या यूसुफ पठान की बात करें तो पिछले साल तक वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा था। अब रणजी में भी हमें आर विनय कुमार खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स, जब उनके नाम के आगे टैग लगा है तभी वो आ करके यहाँ खेलते हैं और अब देखना होगा कि वो उनके आने से क्या बाकी के जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, वो कितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं इस पूरे प्रैक्टिस में। हालांकि प्लेयर्स की माने, आप युवराज सिंह की माने या फिर आप बाकी के जो दिग्गज प्लेयर्स हैं या वीरेंद्र सहवाग की माने, तो सचिन तेंदुलकर क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैशनेट है क्रिकेट को लेकर के, उनके हिसाब से प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेट सेशन जो होता है उसे काफ़ी स्ट्रिक्टली सीरियसली लेना पड़ता है और पूरा पसीना और अपनी मेहनत झोंकते हैं प्लेयर्स ताकि अपना बेस्ट वो ग्राउंड पर दे सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रैक्टिस सेशन जो आज भारतीय टीम करने वाली है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम की भिड़ंत किससे होगी, ये आज जो मुकाबला हो रहा है, होने वाला है वेस्ट इंडीज लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच में, उसके बाद जो टॉप फोर या टॉप चार की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स जो है वो डिसाइड हो जाएंगी। कल हमने देखा था कि बांग्लादेश लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में जो मुकाबला हुआ उसे साउथ अफ्रीका लेजेंड्स ने 10 विकेट से जीत लिया और अपनी बर्थ सिक्योर कर ली सेमीफाइनल्स के लिए। तो आज थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा और देखना होगा कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स का रिजल्ट क्या आता है और उसके बाद आज सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हो जाएंगे और तब हम कल आपको अपडेट ये भी दे पाएंगे कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में कौन सी चार टीमें सेमीफाइनलिस्ट हैं और किस टीम की भिड़ंत किस टीम से होगी। तो जुड़े रहिए वन इंडिया स्पोर्ट्स और माई खेल के साथ, अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। और जाने से पहले आपको इस खूबसूरत स्टेडियम रायपुर स्टेडियम का भी एक बार हम नज़ारा करा देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। काफ़ी ज़्यादा तारीफ इसे क्रिकेटर्स से मिली है और वर्ल्ड मीडिया में भी जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो भी हैं जो आए हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसे हाईली रेट किया है। ये देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जो नेट्स हैं वो लग गए हैं, वहाँ पर आकर के प्लेयर्स कुछ ही देर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मेरे जस्ट सामने यहाँ मीडिया बॉक्स भी है जहाँ से हम मैच का लुत्फ उठाते हैं, ये अगर आप देख सकें तो। और यहीं दोनों टीमों के डगआउट्स भी हैं, ये एक टीम का डगआउट यहाँ पर है और दूसरे टीम का डगआउट ये जस्ट मेरे पीछे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अब तक ये टूर्नामेंट गुजरा है और उम्मीद करेंगे आने वाले जो मुकाबले हैं वो भी इतने ही मज़ेदार और इतने ही दिलचस्प हों। अब सेमीफाइनल के लिए आज एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के तौर पर हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स के मैच को देख सकते हैं। तो अभी तो आप मुझे दीजिए विदा और जब टीम आएगी तो प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा और देखेंगे कौन सा प्लेयर कितनी ज़्यादा मशक्कत करता है इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देने के लिए। धन्यवाद।